गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। अल्लाह से उम्मीद है मेरे भाया और मेरे पुलिस ऑफिसर्स खैरियत से होंगे, और अल्लाह से दुआ है अल्लाह सबको सुकून अता फरमाए और सेहत अता फरमाए। मैं आपका भाई सरदार आसिफ नगर पीस कमेटी, इलेक्शन के ताल्लुक से आप लोगों के सामने चंद बातें रखना चाह रहा हूँ, जो इलेक्शन के दिन अपने भाया अपने लोगों को बोलकर थोड़ा उन्हें जागरूक करे और उन्हें बतलाए कि बोकसिंग वोट करने पर क्या सज़ा है, और किसी को ऑफ़र करके ये पार्टी को वोट डालो वो पार्टी को वोट डालो बोलना कितना जुर्म है। तो इस सिलसिले के अंदर मुझे चंद बातें मालूम हुए थे, तो मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ। IPC 177F सेक्शन के तहत 1 साल की सज़ा और भारी जुर्माना हो सकता, और रहा सवाल किसी को डिमांड करके अपने नौजवान बच्चे जोश में बोकसिंग करने जाते, चंद भैना अपने इनके उनके बातों में जाके बोकसिंग करना चाहते, तो उसके लिए अपना फ़र्ज़ है, अपना कर्तव्य है कि उन्हों गलत काम से अपन रोके। अपन का अमन पीस कमेटी का काम है कि अमन कायम रखे और गलत कामों से अपन रोके सबको। और एक सेक्शन है 177 DNF IPC सेक्शन, इसके अंदर पुलिस ऑफिसर्स को अगर इतला मिली कोई अगर बोकसिंग कर रहे, अगर कोई हरासमेंट कर रहा हमारी पार्टी को वोट डालो उनको डालो बोल के, तो विदाउट कोई वारंट इशू करे कि वो आदमी को पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करके लेके चले जाते। तो इसके लिए मेरे भाइयों से अदबन गुजारिश है कि अपने मोहल्ले में अपने बस्ती में सब जगह कोई नौजवान बच्चे जो जोश में या कोई गलत काम बोकसिंग करने के लिए उनके लिए जा रहे हैं तो उन्हें होशियार कर दीजिए, अपना फ़र्ज़ बनता ये। अपन तेलंगाना में ट्रूली और पीसफुली इलेक्शन करने की कोशिश करेंगे। यही बात आप लोगों के सामने रखने के लिए मैं ये मैसेज कर रहा हूँ। आप लोग सब जने इस पर गौर फरमाइए और अपने अपने जान पहचान के बस्ती के अंदर जहाँ कहीं भी है अपने भाया बहनों को होशियार करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।